पाकिस्तान से एग्रीकल्चरल सेक्टर वन जब हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है इन दी डी पी ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली अगर हम बात करें आफ्टर द फर्स्ट डिकेट ऑफ इंडिपेंडेंस तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन थी अराउंड सिक्सटी परसेंट इन जी डी लेकिन इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो आपके पास एग्रीकल्चर का शेयर था जीडीपी इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी थ्री परसेंट और इसी टाइम पीरियड में आप कह लें थर्टी सेवन परसेंट ऑफ कंट्रीज लेबर फोर्स इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल सेक्टर जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो ये सेक्टर इंक्लूड करता है आपके पास क्रॉप्स लाइव स्टॉक फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज को अब अगर हम यहां पे इस डायग्राम में अगर एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेसिकली ये डायग्राम है क्या दिस इज रिपोर्टिंग सेक्टोरल शेयर इन जी डी पी इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान फॉर फॉर लास्ट ट्वेंटी फोर इयर्स अगर हम बात करें इन यू थाउजेंड वन सॉरी टू थाउजेंड टू टू थ्री से लेके टू थाउजेंड सेवन टू एट ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है टाइम्स है जिसमें आप कह लें कि इंडस्ट्री का शेयर ग्रेटर था एग्रीकल्चर से क्या है कि आपके पास जो एग्रीकल्चर है इन द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर यह आपका ट्रांसफर हो गया टूवर्ड्स दर्विसेज सेक्टर अब अगर ट्वेंटी वन के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो जो आपकी इंडस्ट्री है इट मेक्स कंट्रीब्यूशन समथिंग क्लोज टू ट्वेंटी परसेंट लेकिन जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हो तो इसकी कंट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू ट्वेंटी थ्री परसेंट और सर्विसेज क्या है बाकी जो सारा शेयर है दैट कम्स फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर अब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां पे आपके पास जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इन दी डी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहा है फ्रॉम लाइफ स्टॉक एंड क्टर अगर हम बात करें ईयर नाइनटीन नाइन की तो वहां पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन थी इन जीडीपी फाइव पॉइंट इसमें से 13.1 परसेंट या यूं कह लें कि जीडीपी में जो 13.1 परसेंट कंट्रीब्यूशन थी दैट कम्स फ्रॉम दी द्रॉप सेक्टर और 11.7 परसेंट इज फ्रॉम लाइफ स्टॉक सेक्टर यहां पे जो आपके पास रेड कलर लाइन है ये बेसिकली रिपोर्ट कर रहा है शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन दी जीडीपी और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इट द शेयर ऑफ क्रॉप सेक्टर इन जीडीपी। लेकिन जब आप 2020 और 21 के ईयर की बात करते हो तो हम यहां पे देख सकते हैं लाइफ स्टॉक इज मेकिंग मोर कंट्रीब्यूशन इन जी डी पी एज कंपेयर टू क्रॉप सेक्टर आप कह सकते हो कि यहां पे जो लाइव स्टॉक की कंट्रीब्यूशन है इट इज ऑलमोस्ट डबल टू दैट ऑफ क्रॉप सेक्टर के लाइव स्टॉक 14.4 पॉइंट परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इन जीडीपी डी द क्रॉप सेक्टर इज मेकिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ 7.8 परसेंट और जो मेरे पास बाकी दो सेक्टर्स हैं फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग उनका बड़ा नॉमिनल शेयर है इन जी डी पी ये अराउंड फिशिंग का पॉइंट था इन याइनटीन नाइनटी नाइन जो कि आप कह लें इन ईयर ट्वेंटी 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 वन में हो गया पॉइंट थ्री परसेंट जब हम फॉरेस्ट्री सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पे हम कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं कर रहे इसके जब हम डिस्कशन कर रहे विद रेफरेंस टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन जी डी पी के इन ईयर नाइनटीन नाइनटी नाइन टू थाउजेंड इसका कंट्रीब्यूशन था पॉइंट फोर परसेंट इन जी डी पी इन ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में भी ये शेयर क्या है पॉइंट फोर परसेंट अब अगर हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि हाउ मच इज कमिंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर फ्रॉम फिशिंग फॉरेस्ट्री लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप सेक्टर तो हम यहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर द टाइम पीरियड फ्रॉम 1999 टू ट्वेंटी वन ईयर 1999 2000 आप अब कह सकते हो कि क्रॉप सेक्टर इज मेकिंग मोर कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू

वो रिपोर्ट कर रहा है शेयर ऑफ क्रॉप सेक्टर इन एग्रीकल्चरल जीडीपी और जो आपके पास रेड कलर में बार्स हैं वो आपको रिपोर्ट कर रहा है शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन जीडीपी और जब आप इसी की रेफरेंस में डिस्कशन करो फॉर ईयर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन तो वहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि लाइफ स्टॉक इज मेकिंग मोर कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एज कंपेयर टू क्रॉप सेक्टर देयर इज सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रही है जबकि लाइफ स्टॉक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रही है लेकिन जो बाकी आपके पास दोनों सेक्टर्स है, हैं फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आप कह लें वो दे आर मेकिंग एग्रीकल्चरल जी डी पी अब इस सारे डेटा को देख के हम एक चीज तो आप कह लें देख सकते हैं कि कि अगर हम बात करें तो जो क्रॉप सेक्टर था इट मेक्स कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सिमेटली टू थर्ड ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी एग्रीकल्चर जीडीपी का टू थर्ड आपके पास क्रॉप सेक्टर लेकिन जब आप ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात करते हो तो सिक्सटी थ्री परसेंट शेयर इज कमिंग फ्रॉम लाइफ स्टॉक सेक्टर और थर्टी फोर परसेंट इज कमिंग फ्रॉम क्रॉप सेक्टर और जो मेरे पास बाकी आप आप कह लें थ्री परसेंट बच रहा है वो आ रहा है फ्रॉम फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर के एग्रीकल्चर की कंट्री एग्रीकल्चर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इन दी जीडीपी उस कंट्रीब्यूशन में थ्री परसेंट इज कमिंग फ्रॉम फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर और इस सारे को देख के हम एक चीज तो आप कह लें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि देयर इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर हाँ ओवर लास्ट यानी आफ्टर 2000 अब ये मैं ये तो कह सकता हूं देर इज नॉट एनी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनोमी ऑफ पाकिस्तान जी एग्रीकल्चर का शेयर इंडस्ट्री का शेयर आप कह लें इज नो चेंज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इन लास्ट टू डिकेड्स क्या जी शुरू इन इन द स्टार्ट ऑफ टू इन द स्टार्ट ऑफ थाउजेंड कंट्रीब्यूशन भी थी अराउंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव परसेंट और 2022 में भी क्या है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी थ्री परसेंट इंडस्ट्री उस टाइम पे 2000 में भी कंट्रीब्यूट कर रही थी अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन परसेंट और अभी भी क्या है अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन परसेंट लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर है आप कह लें उसमें कुछ इंक्रीज आया है ओवर दिस टाइम पीरियड